फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने डेली लाइफ में इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कफन, कब्र, चीता, तड़पना, बेहोश, रोना धोना, शोक मनाना, दफन करना, श्रद्धांजलि देना, दिलासा देना, मैयत को देखना, अंतिम दर्शन करना, फूट फूट कर रोना, मैयत को ले जाना या जनाजा। तो आइए फ्रेंड देखें कि इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बोलना है। वह कफन में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज इन श्राउड, यानी वह कफन में है। श्राउड का मतलब कफन। अगर आपको कहना हो कि कब्र खोदी जा रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द ग्रेव इज बीइंग डग, यानी कब्र खोदी जा रही है। ग्रेव का मतलब कब्र। हिज फैमिली मेंबर्स आर अगोनाइजिंग, यानी उसके फैमिली के लोग तड़प रहे हैं। अगोनाइज का मतलब होता है तड़पना या दर्द में बेचैन होना। कुछ बेहोश पड़े हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सम आर अनकॉन्शियस, यानी कुछ तो बेहोश हैं। उसकी छोटी बेटी फूट फूट कर रो रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज लिटिल डॉटर इज वीपिंग बिटरली। फ्रेंड्स, वीप बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। पड़ोसी रो धो रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द नेबर्स आर बीवेलिंग। फ्रेंड्स, बीवेल का मतलब होता है तकलीफ में रोना। मैं उसको दिलासा देता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कंसोल हिम। वर्ड कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना। मैं उसकी सुकून के लिए दुआ करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रे फॉर हिज पीस, यानी मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ। फ्रेंड्स, वर्ड फ्यूनरल का मतलब होता है जनाजा या अंतिम यात्रा। जैसे अगर आपको कहना हो कि लोग उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पीपल आर प्रिपेयरिंग हिज फ्यूनरल, यानी लोग उसकी जनाजा की तैयारी कर रहे हैं, यानी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कहना हो कि कुछ लोग मैयत को ले जा रहे हैं, तो आप कहेंगे somebody is carrying the dead body, यानी कुछ लोग मैयत को लेकर जा रहे हैं या अर्थी लेकर जा रहे हैं। वे कब्रस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे दे आर हेडिंग टू ग्रेवयार्ड। फ्रेंड्स, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रस्तान। और अगर हम बात शमशान घाट की करें, तो शमशान घाट को कहते हैं क्रीमेटोरियम, यानी शमशान घाट। फ्रेंड्स, लेट टू रेस्ट का मतलब होता है दफनाना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात जलाना की करें, तो बर्न का मतलब होता है जलाना। जैसे मैयत को दफनाया जा रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डेड बॉडी इज बीइंग लेड टू रेस्ट, यानी मैयत को दफनाया जा रहा है। अगर आपको कहना हो कि मुर्दे को जलाया जा रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डेड बॉडी इज बीइंग बर्न्ड, यानी मुर्दे को जलाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सभी वर्ड्स आपके बड़े काम के होंगे और आपने इन सभी वर्ड्स से बहुत कुछ सीखा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इन वर्ड्स को सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।